हेलो फ्रेंड्स, बात यूँ है कि आज हमारे घर मैंने कई लोगों को लंच पर बुलाया है और स्नैक्स के रूप में मैं उन्हें ओनियन समोसा सर्व करने जा रही हूँ। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इन समोसों की रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लूँ। लेकिन हाँ, ये समोसा थोड़ा सा हटकर है क्योंकि इसमें मैंने मैदा की जगह समोसा पट्टी का इस्तेमाल किया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और बता दूं आपको कि इन समोसों को ओनियन समोसा तो कहते ही हैं, साथ ही साथ ईरानी समोसे और पोहे के समोसे के नाम से भी इन्हें बुलाया जाता है और ये हैदराबाद का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है। इसके लिए हमें आवश्यकता है 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 कप गाजर और मटर, इसे मैंने उबाल लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, 1 से 1.5 हरी मिर्च कटी हुई, 1 कप पोहा, इसे धोना या भिगोना नहीं है, जितना प्याज लेना है उतना ही हमें पोहा भी लेना है, 1 चम्मच मैदा को मैंने पानी में घोलकर रख लिया है, इसके अलावा थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा चाट मसाला पाउडर, नमक और काला नमक, इन सब के साथ साथ मैंने 1/2 नींबू भी लिया है। ये नींबू आपकी इच्छा अनुसार, आप यदि खट्टा पसंद करती हैं तो ही लीजिए, अन्यथा आप नींबू को स्किप भी कर सकती हैं। ये समोसा पट्टी हमने ली है, ये हमेशा हमें फ्रीज़र में ही रखना है, पर मैंने थोड़ी देर पहले इसे थॉ करने के लिए बाहर निकाल कर रख दिया था। जब ये थॉ हो जाए इसके बाद आप इसे खुला मत रखिए, इसे एक हमेशा गीले कपड़े से ढक कर रखिए ताकि ये सूखे ना, नहीं तो हमारे समोसे टूटने लगेंगे। सबसे पहले हम प्याज को एक बड़े बाउल में डाल देंगे, फिर इसमें पोहा भी डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, सादा नमक, थोड़ा काला नमक, ये मैंने कम डाला है क्योंकि हमने चाट मसाला भी डाला है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें मैंने गाजर और मटर नहीं डाली हैं क्योंकि ये हम सबको मिलाने के बाद डालेंगे, क्योंकि ये उबली हुई है, नहीं तो ये मैश हो जाएंगी। अब हम इसे अच्छे से हाथों से मसलते हुए मिला देंगे। इसका पर्पस ये है कि जो नमक है वो जब प्याज में मिलेगा तो प्याज अपना पानी छोड़ेगा, जिससे हमारे पोहे अपने आप थोड़े नरम हो जाएंगे और गीले हो जाएंगे। वैसे तो हमने इसमें चाट मसाला डाला है, थोड़ी खटास उससे आती है, लेकिन फिर भी मैं 1/2 नींबू उसमें डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे। देखिए पोहा काफ़ी गीला हो गया है, आप देख रहे हैं किस प्रकार की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम गाजर और मटर का मिश्रण जो हमने उबाल कर रखे थे उसे भी डाल देंगे और फिर अच्छे से मिला लेंगे। गाजर और मटर भी मैंने मिला दिए हैं, पर इन्हें डालने के बाद इसे हमें मैश नहीं करना है, नहीं तो गाजर और मटर भी मैश हो जाएंगे। देखिए ये हमारी समोसा पट्टी है, ये पूरी तरीके से थॉ हो चुकी है। अब ये सूखे ना, इसके लिए हम इसे गीले कपड़े से ढक देंगे ताकि इसमें नमी बनी रहे, और एक एक पट्टी निकालेंगे। अब हमने एक समोसा पट्टी ले ली है, इसे हम फ्लोर पे रख के
और इसे अब हम इसकी स्टफिंग शुरू करेंगे। हमें सबसे पहले इसे इस प्रकार से फोल्ड करना है, थोड़ा बाहर निकलते हुए, देख रही हैं आप, ये थोड़ा बाहर निकल रहा है। इस प्रकार से हम फोल्ड करेंगे इसको, इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको इस प्रकार से पलट देंगे। ये जो हिस्सा है इसके साथ मिलाते हुए हम ऐसे पलट देंगे। अब हम इसे समोसा भरने के अंदाज में ऐसा पकड़ लेंगे और इसमें हम हमारी स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग हमने डाल दी है। अब जो मैदा का घोल हमने बनाया था वो हम यहाँ लगा देंगे और इसे इस प्रकार से पलट देंगे। फिर हम इस पर मैदा का घोल हल्का सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, और ऐसे लगाते हुए इसे हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये हमारा एक समोसा बनकर तैयार हो चुका है। समोसे देखिए मैंने आपके सामने सारी स्टफिंग कर दी है और अब ये तैयार हो चुके हैं भरकर। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा काफी गर्म हो गया है, अब हम इन समोसों को तल लेंगे। इन समोसों को हमें धीमी आंच पर नहीं तलना है। मैदा के समोसे की तरह इन्हें बहुत देर तक नहीं तलना पड़ता, मध्यम आंच पर हम इसे तलकर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये समोसा पट्टी काफ़ी पतली होती हैं और इनके बने हुए समोसे बहुत ही करारे, क्रिस्पी, क्रंची होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे समोसे बहुत अच्छे तले जा रहे हैं। अब समोसे ऑलमोस्ट डन हैं। बहुत सुनहरा रंग आया है इसका, बहुत ही सुंदर। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इसी प्रकार बाकी के समोसे भी तल लेंगे। ये समोसे भी हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। हमारे क्रिस्पी और करारे समोसे बनकर तैयार हैं। आज मुझे इन्हें मेहमानों को सर्व करना है और मैं जानती हूँ कि उन्हें बहुत पसंद आएंगे और आप भी जब बनाएंगी तो आपको भी उतने ही पसंद आएंगे। तो यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे हमारी अगली रेसिपी के साथ। देखिए आप, ये कितने करारे हैं।